का ठंडा पानी लाओ। ले अब पिलाई हुजूर। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ एक खुश खबर है। क्या? टप्पू के पापा को मैंने लॉकेट पहना दिया है। सुपर, क्या बात है। और हाँ बाकियों का क्या हाल है? सबने अपने अपने पतियों को लॉकेट पहना दिया ना? मैंने तो पहना दिया। पहले तो मान ही नहीं रहे थे। इतने सवाल पर ऐसा डांटा है मैंने भी कि पहनना ही पड़ा। कुछ वाह सरस, मैंने भी प्यार का तीर चला के तारक को लॉकेट पहना ही दिया। मुझे तो रोशन को लॉकेट पहनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसने लॉकेट खुद ही पहन लिया। वो सारा थोड़ी बोलो। ओह हाँ, बाय द वे किसी के पति को कोई डाउट तो नहीं हुआ ना? टप्पू के पापा को थोड़ी शंका हुई थी कि ये जरूर लॉकेट के बारे में मुझसे कुछ छुपा रही है। फिर मैंने ना तुरंत बबीता जी को फोन लगा के टप्पू के पापा को दे दिया। एग्जैक्टली और जेठा जी को मैंने ऐसा डांटा कि उनके मन का शक भी दूर हो गया और उन्होंने लॉकेट भी पहन लिया। That's wonderful. ठीक है तो हम सब कल 12 बजे क्लब हाउस में मिल रहे हैं। हाँ। और सबने अपने अपने पति को 12 बजे क्लब हाउस पहुँचने के लिए मना लिया ना? हाँ, मना लिया है। मेरे ये तो पहुँच ही जाएंगे, पंक्चुअल है ना। ग्रेट, तो कल हम लोग 12 बजे मिलते हैं और ये देखते हैं कि रत्नावली के रत्न हमारे पतियों के मन के कौन से राज खोलते। Yes. तो आज के लिए गुड नाइट। ओके, सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। गुड मॉर्निंग माय डियर श्रीमती जी। गुड मॉर्निंग माय डियर श्रीमान जी। भाई इतनी खुशी, इतनी खिली खिली हो सुबह सुबह, क्या बात है? हाँ मिस्टर मेहता, आज का दिन मेरे लिए एकदम खास है और इस खास दिन के खास मौके पर मैंने खास आपके लिए चीनी वाली चाय बनाई है। बोलिए। चीनी वाली चाय? हाँ। मेरे लिए? हाँ। श्योर? यकीन नहीं आता तो पी के देखिए ना, चीनी चाय की चाय हो जाएगी। क्या बात कर रही हो भाई। चीनी वाली चाय? हाँ भाई, तुम कह रही हो तो बनाई होगी, लेकिन जरा एक घुट पी के तसल्ली कर लूं। भाई आज ये चाय पी के ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा किसी भीड़ भरे मेले में अपनी माँ से बिछुड़ गया और वापस जब माँ से मुलाकात हो तो कितनी खुशी होगी उसे, बस वैसी खुशी मुझे हो रही है। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए अंजलि, तुमने आज मेरा दिन बना दिया। क्या बात है, दिन की शुरुआत इतनी कमाल की तो दिन कितना जबरदस्त होगा। ओके, आई टेक इट, यू वेलकम। तो मैं तो कहता हूँ तुम मुझे रोज इस तरह की चाय पिलाया करो ताकि मैं रोज तुम्हें धन्यवाद देता रहूं। वैसे तारक, मैंने कल रात को जो आपको लॉकेट पहनाया था वो सही सलामत है ना? मतलब आपने ठीक से पहन के रखा है ना? नहीं नहीं तारक, मैंने आपको कहा था ना कि प्लीज पहन के रखिए। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं तारक, प्लीज। अंजलि तुम्हें सवाल करना ही नहीं चाहिए, जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है तो भाई सीने से लगा के रखा है, उसको दिखा दो। ये रहा। आप बिना तारक डरा देते हैं। देखो देखो कौन है। ओ माय गॉड, रत्नावली जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। प्लीज कम तारक, इनसे मिलिए। ये बबीता जी की फ्रेंड रत्नावली। नमस्ते नमस्ते, आइए, स्वागत है आपका भाई। कल से बड़ी तारीफें सुन रहे हैं आपकी। हाँ, थैंक यू। वैसे मैंने भी आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आपके आर्टिकल्स भी पढ़े, मस्त है और सुपर्ब। जरा नवाजी है आपकी, बस लिख लेता हूँ थोड़ा। आइए ना, बैठिए ना रत्नावली। बैठिए प्लीज। वैसे रत्नावली जी, आप तो 12 बजे आने वाली थी ना? एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं एक एक करके सबके घर पर जाकर रत्न पर स्प्रे छिड़कती हूँ। आई गेस यही ठीक रहेगा। हाँ जैसा आपको ठीक लगे। स्प्रे? ये रत्न पे स्प्रे छिड़कने का क्या मामला है भाई, कोई हमें भी बताओ। मुझे तो अंजलि कह रही थी कि आप रत्न के फायदे बताने वाली हैं, ये स्प्रे क्या है ये चक्कर? रत्नों का सबसे बड़ा फायदा यही है कि पतियों के मन के राज दिखाता है। समझ में नहीं आया कुछ, क्या मतलब? मतलब कि आपने जो गले में रत्न पहना है इस पर मैं अभी स्प्रे छिड़कूंगी और अगर इसका रंग काला हो गया तो इसका मतलब है। क्या क्या, क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप अपनी धर्मपत्नी से प्यार नहीं करते हैं और आपका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है।
ऐसा थोड़ी होता है रत्नावली जी। अरे हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्या कोई स्प्रे करेगा और रंग बदल जाएगा तो मन की बात पता चल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं अंजलि, ये सब बेकार की बात है, सॉरी, बुरा मत मानेगा रत्नावली जी, लेकिन मैं इस चीज में यकीन नहीं करता। ना ना, ये सब कुछ नहीं तारक, सिर्फ 2 मिनट की तो बात है, प्लीज तारक। और देखिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि ये रत्न आपके प्यार की गवाही दे देगा। अंजलि देखो, तुम्हारे कहने से पहन लिया, लेकिन स्प्रे वगैरह सब क्या है यार, ये सब तुम जानती हो, मैं यही बिलीव करता है, प्लीज मेरी क्या, आप प्लीज। अरे पर रत्नावली जी, समझने की कोशिश कीजिए भाई। अरे ये क्या, अंजलि ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, कुछ कुछ गड़बड़ है। अंजलि रो मत, अंजलि रो मत, मुझे नहीं मालूम अंजलि, ये रत्न का रंग कैसे काला हो गया? रत्नावली जी समझाइए ना। समझाती हूँ। हाँ प्लीज। अंजलि भाभी, आपके जो पति है श्रीमान तारक मेहता साहब, ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, इनका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। अरे क्या 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 बात कर रहे हो? अरे ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, तारक मेरे अलावा किसी को प्यार कर ही नहीं सकते। हे भगवान, कितना बुरा सपना था, कहीं रत्नावली जी ने दिए हुए लॉकेट हमारे पतियों को पहना के हमने गलती तो नहीं कर दी ना? वैसे तो गोकुलधाम में सारे जेंट्स जेंटलमैन हैं और अपनी अपनी बीवियों से प्यार भी करते हैं, पर कहीं जेठा भाई, डॉक्टर हाथी, भीड़े भाई, सोड़ी भाई, अय्यर भाई या फिर तारक के लॉकेट के रत्न का रंग बदल कर काला हो गया तो? मेरा तो अभी से जी घबरा रहा है, कहीं इस लॉकेट की वजह से कल सुबह गोकुलधाम में कोई मुसीबत ना आ जाए, ना जाने कल सुबह क्या होगा। अंजलि। हाँ। चाय फिर ले लाई हो ना, तो दो ना भाई, खड़ी क्या हो? छुट्टी का दिन और बीवी के हाथ की चाय से। अंजलि कहाँ घूमी भाई, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। कोई टेंशन तो नहीं अंजलि? नहीं तारक, कोई टेंशन नहीं है। बस तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ अंजलि, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर मन में कोई बात अटकी हुई हो तो किसी को बता देनी चाहिए। हाँ पर नहीं है, आप चाय पीजिए, मैं आती हूँ। हाँ हेलो हेलो बबीता जी। हाय अंजलि भाभी, क्या बात है, सुबह सुबह मुझे कैसे याद किया? बात यह है कि मुझे कल रात को बहुत बुरा सपना आया। क्या सपना? ये आया था कि रत्नावली हमारे घर आई है और उसने तारक के रत्न जड़ित लॉकेट पे स्प्रे छिड़का और वो लॉकेट काला हो गया। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है और आप हंस रहे हैं। अंजलि भाभी, इट वाज जस्ट अ ड्रीम, बस एक सपना था, रिलैक्स। सपना था फिर भी चिंता तो होती है ना। ओ कम ऑन अंजलि भाभी, सपने के लिए कौन इतना टेंशन लेता है। हाँ बबीता जी, पर बार-बार कुछ नहीं, मेरी बात मानिए, अच्छे से चाय नाश्ता कीजिए और फिर हम लोग 12 बजे क्लब हाउस में मिलते हैं। ओके बाय। बबीता जी कह रही है फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, क्या करूं? अरे धन्यवाद धन्यवाद कामिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरा लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। हाँ क्यों नहीं सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। क्या सुनाऊं, चलो एक तुकबंदी समझ लो, लेकिन सुन लो कि हसरत तुम्हारा प्यार पाने और कोई ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने की, और शिकवा तुमसे नहीं खुदा से है, क्या जरूरत थी तुम्हें इतना खूबसूरत बनाने की। शुक्रिया शुक्रिया कामिया, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। तारक। हाँ। किसका फोन था?
अरे कामया नाम की मेरी एक फैन है, मेरा लिखा हुआ उसे बड़ा अच्छा लगता है, तो पसंद करती है लिखा हुआ, तो कभी कभी फोन कर लेती है। बाय द वे आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ टेंशन में हो, तुम्हारे चेहरे से तनाव जा नहीं रहा, क्या बात क्या है? तारक एक सवाल पूछूं तो आप सच सच बताओगे? सवाल का जवाब सवाल, हाँ जरूर दूंगा भाई। आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? कैसा सवाल है अंजलि, obviously, हाँ। आप सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं ना? What do you mean, अंजलि, मुझसे ही प्यार करते हैं? अरे मैं तुम्ही से करूंगा ना? आप मुझसे ही मतलब आपका किसी और के साथ कोई? अंजलि 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 कैसी बातें कर रही हो तुम? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैं काव्या से फोन पे बात कर रहा था इसलिए। अरे फैन है वो मेरी, मैं तो आज तक कभी उससे मिला भी नहीं हूँ। ये सब ख्याल दिमाग से निकाल दो अंजलि, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके तारक मैं अभी आती हूँ। हाँ कहाँ जा रही हो भाई? मंदिर जाके आती हूँ। हे भगवान, गोकुल धाम में हम सब पत्नियां अपने अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आज रत्नावली जी अपने रत्नों के जरिए हमारे पतियों के प्यार को परखने वाली है। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि मेरे तारक के लॉकेट के रत्न का रंग बदल के काला ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ तारक का क्यों, गोकुल धाम के किसी भी पति का अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर कोई भी चक्कर ना हो। प्लीज भगवान, गोकुलधाम की हर पत्नी आज इसी खुशी के साथ क्लब हाउस से लौटे कि उनका पति उनसे बेहद प्यार करता है। अरे अंजलि पापी, मेहता साहब ने लॉकेट पहना है कि निकाल दिया? क्या मेहता साहब ने लॉकर पहना के निकाल दिया? दया भाभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कहना चाह रही है आप? अरे अरे मैं आ, 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 अरे आ, 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 गिर जाएगी आप, क्या कर रही है? आप एक काम कीजिए, आप यहीं खड़े रहिए, नीचे खड़े रहिए, मैं आती हूँ। एक मिनट, आप कुछ कहना चाहती है तो कह दीजिए दया भाभी, मुझे नहीं लगता कोई सुन रहा है। मेहता साहब ने लॉकेट पहना है कि निकाल दिया? हाँ पहना है। चलो अच्छा, उनको पता है ना वो 12 बजे क्लब हाउस में आने वाले हैं ना? हाँ आ रहे हैं। चलो मैं भी टप्पू के पापा को याद दिला देती हूँ। चलो मिलते हैं 12 बजे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीजा रिपोर्टर। कल तक से आज दे दो। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे, पूरे घर में सब जगह ढूंढ लिया लेकिन तू मिली ही नहीं। तो कहाँ से मिलती, मैं बालकनी में जाती। ले बोलो, वहाँ ही नहीं देखा मैंने। चल चल दे, अभी फटाफट चाय नाश्ता दे, बहुत भूख लगी है। अभी आई हूँ। एक पति ने अपनी पत्नी को दिया है धोखा, घर के बाहर चलाया किसी और से चक्कर, और इसीलिए पत्नी ने गुस्से में आकर चप्पलों से पीट पीट कर पति को सोसाइटी के बाहर निकाल दिया। हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई पति नहीं है? नहीं हाँ, इसका प्रमाण भी आज सबको मिल जाएगा। वैसे गलती से भी ऐसा कोई पति होता ना हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में, तो उस पति की पत्नी से पहले हमारी सोसाइटी के ही सब लोग उसे धक्का मार के बाहर निकाल लेते। अरे ओ शक्तिशाली बाहुबली पत्नी श्री, अभी चाय नाश्ता करने की प्रबल इच्छा उबल उबल के चरम सीमा पार कर गई है, अभी कृपया करके चाय नाश्ता देने की चेष्टा करेंगे? हाँ अवश्य अवश्य,
लो। हाँ बनकर बनकर। तो आप ये डाइनिंग टेबल पर अपनी तफरीज रखिए, आपके दरबार में चाय और नाश्ता अभी पेश कर रहे हैं। शाबाश। अरे एक मिनट, तुम्हें पापा अभी नहा लिया? नहीं आज रविवार है, मैं चाय नाश्ता करके नहाऊंगा। अरे टप्पू के पापा आपको बिना नहाए बापूजी चाय नाश्ता करते हुए देखेंगे ना तो वो मुझे डांटेंगे। ये तो बातों में इतना फालतू का टाइम वेस्ट करती है ना, कब का मैंने तुझे बोला कि चाय नाश्ता दे? अब तक तू चाय नाश्ता लेकर गई होती, मैंने कर भी लिया होता और नहाने भी चला गया होता। चलो अभी खड़ी क्या, लेके आ जल्दी चाय नाश्ता। मैं अभी लेके आती हूँ, आप फटाफट चाय नाश्ता करके तैयार हो जाइए, आज 12 बजे क्लब हाउस जाना है, याद है ना? क्लब हाउस? आप भूल गए? अरे कल रात को ही तो मैंने आपको कहा था कि रत्नावली बहन हमें 12 बजे क्लब हाउस में मिलने वाले हैं, वो रत्नों के बारे में हमें बताने वाले हैं। तूने बोला कि 12 बजे रत्नावली बहन आ रही है, लेकिन क्लब हाउस नहीं बोली थी। अरे मैं बोली थी। नहीं बोली थी भाई। अच्छा बाबा अभी तो पता चल गया ना? हाँ पता चल गया, तू जा जल्दी चाय नाश्ता लेके आ। लाई लाई। अरे ओ टप्पू के पापा, मैंने कल रात को आपको लॉकेट पहनने के लिए दिया था ना, वो आपने पहना है? हाँ पहना है पहना है। जरा दिखाएंगे। चल ये तेरा लॉकेट, बस बस ऐसे ही पहने रखना। हाँ ये लॉकेट का हो ना हो जरूर कोई राज है। नहीं 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 कोई राज नहीं है। तू भले बता नहीं रही है लेकिन कुछ तो चक्कर है। ओहो, आप एक काम कीजिए, बबीता जी से बात कर लीजिए। अरे बबीता जी को क्यों बीच में ला रही है तू? नहीं टप्पू के पापा, आपके मन में जो शंका कुशंका है उसका निवारण कर लीजिए ना। फोन है, लो लगता है बबीता जी का ही फोन है, लीजिए बात कीजिए। अरे मुझे बात नहीं करनी है भाई। अरे हेलो हेलो, अरे सेठानी जी, सेठ जी है? हाँ हाँ है ना, अभी देती हूँ। लीजिए बात कीजिए। मैंने बोला मुझे बात नहीं करनी है, तुम फोन उठा तुमने क्यों किया तुम बीच क्यों? अरे नटू काका का फोन है, लीजिए बात कीजिए। छुट्टी के दिन नटू काका क्यों फोन कर रहे हैं? मुझे क्या पता, पूछो। इधर। हाँ बोलिए नटू काका। सेठ जी, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपको अभी दुकान आना पड़ेगा। अभी क्यों? वो जो हमने गोल्ड स्टार कंपनी में माल का ऑर्डर दिया था ना, वो डिलीवरी आज होने वाली है, अब भी आ रही है। हाँ तो उसमें मेरी क्या जरूरत है, आप और भागा पहुँच जाओ और मगन को भी बुला लो और सारा माल गोडाउन में रखवा लो। हाँ हाँ सेठ जी वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन क्या है कि हाथों हाथ चेक देना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट वाले को कैश भी देना पड़ेगा, और गले की चाबी आपके पास है इसीलिए आपको दुकान अभी आना पड़ेगा। ओहो, इनको भी आज ही डिलीवरी भेजनी थी? सेठ जी हमने उनको बोला था कि जितनी हो सके उतनी जल्दी डिलीवरी भेज देना, तो उन्होंने आज ही भेज दी। ठीक है आप पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। ठीक है सेठ जी। आप अभी दुकान जा रहे हैं? हाँ वो एक टीवीओ की डिलीवरी आ रही है अर्जेंट, तो पेमेंट का चेक साइन करने जाना पड़ेगा। अच्छा तो मैं फटाफट चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं नहीं अभी चाय नाश्ता करने का टाइम नहीं है, मैं दुकान में कर लूंगा, अभी फटाफट तैयार होकर भागना पड़ेगा। तो आप 12 बजे तक आ जाएंगे ना? अरे उससे पहले आ जाऊंगा। चलो ठीक है, चलो बाय। बाय। ओह सॉरी आप तो नहाने जा रहे हैं ना, चलिए आप फटाफट नहा लीजिए, फिर फटाफट तैयार हो जाइए, फिर फटाफट दुकान जाइए, फिर फटाफट घर पर आ जाइए, ठीक है? चलो बाय। अरे सॉरी भाई, जाके भाई दे। 12 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में रत्नावली आने वाली है और हम पतियों के मन के राज बताने वाली है, लेकिन ये क्या एन वक्त पे जेठालाल को कौन सा काम आन पड़ा? कहीं ये जेठालाल के बच निकलने का कोई तरीका तो नहीं भाई? बचना चाहता हो क्योंकि उसे ये राज पता चल गया होगा कि ये रत्न रंग बदलते हैं, अगर पति के मन में अपनी पत्नी के अलावा किसी और के लिए चाहत है तो ये रत्न रंग बदल के काले हो जाते हैं, शायद ये पता चल गया, कहीं ऐसा तो नहीं? अगर पता चल गया तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवालों के जवाब आपको तब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते हंसते खिलखिलाते देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.